सूरत सिटी के खटोदरा पुलिस स्टेशन की हद में सूरत सिटी के नो ड्रग्स इन सूरत सिटी के तहत ड्रग्स पे काम कर रहे थे। उसी दौरान खटोदरा पुलिस स्टेशन को बात में मिली कि एक व्यक्ति अफीम का धंधा करता है, तो वो अल्थान रोड बठार एरिया में रह रहा था एक मकान किराए पे लेके। जब उसके घर पे टीम ने सर्च किया तो वहाँ से किचन में 2 किलो 480 ग्राम अफीम बरामद हुआ। साथ में अफीम को छोटे छोटे टुकड़ों में पैक करने के लिए प्लास्टिक की थैली बरामद हुई, उसको तोलने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कांटा बरामद हुआ। और उससे पूछताछ में उसने बताया कि वो ये माल जो है वो राजस्थान में से ख़रीद रहा है और जनवरी से वो वहाँ से ख़रीद के और यहाँ छोटे छोटे टुकड़ों में इसको पैक करके और बेचने का काम कर रहा है। वो सूरत लंबे टाइम से रह रहा है, पहले वो रिक्शा चलाता था, फिर वो एम्ब्रॉयडरी का उसने काम किया जिसमें उसको घाटा लग गया, बीच में वो वापस राजस्थान चला गया था और वहाँ से वापस आने के बाद में उसने ये काम अभी शुरू किया। और वहाँ से वो कम क्वांटिटी में अफीम ख़रीदता था, बाद में उसमें चाशनी और शहद मिला के उसकी क्वांटिटी बढ़ा लेता था और इस तरह से वो प्रॉफिट कमा रहा था। तो अभी उससे पूछताछ की गई है, एक आरोपी शंकास्पद जो है उसका नाम पूछताछ में सामने आया है, तो आगे की इन्वेस्टिगेशन उससे और पूछताछ करके बाद में शुरू की जाएगी। फिर अपने कस्टमर का संपर्क कैसे? उसके कस्टमर फिक्स थे लगभग, उनको वो कुछ टुकड़ों में देता था, जैसे किसी को 50 ग्राम दिया, किसी को 100 ग्राम दिया और आगे वो लोग भी छोटे छोटे टुकड़ों में, क्योंकि अफीम का सेवन करने वाले ज़्यादातर लोग, कुछ लोग मैक्सिमम लोग राजस्थान के हैं जो उसको पहले से जानते हैं, तो उनके वो टच में था और मैक्सिमम वो उन्हीं को ही सप्लाई करता था। सर ये कैसे दीजिए, अभी सूरत तक कैसे लाता था? वहाँ से जाके बस में रख के, बस में बैठ के आता था, बस में यहाँ ला के अपने घर पे रखता था, टुकड़ों में करने के बाद में उसको बेच देता था। ये अभी पूछताछ करेंगे, उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें सामने आएगी तो आगे आपको इन्फॉर्म करेंगे।